Hi viewers, as you know, this is Dr. Imran Khan. I am a sexologist working here in Gurgaon. और जैसे कि हम अक्सर sexual disorders पर बात करते रहते हैं, मेरी पिछली videos आप लोगों ने देखी होंगी और मुझे यकीन है कि उससे काफ़ी कुछ समझा भी होगा। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो मेरी पिछली videos में उस पर काफ़ी detail में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं दो topic उनको review करना चाहता हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मेचर इजैकुलेशन। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं और बात शुरू करूं, मैं एक बात आप लोगों को वाजे और साफ करना चाहता हूं कि मुझे इन दो बीमारियों को री एड्रेस करने की वजह क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं जब पहले वीडियो बना चुका हूं तो दोबारा मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं। असल में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जब भी सेक्सुअल बीमारियों की हम बात करते हैं या गुप्त रोगों की बात करते हैं तो ये दो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन हैं मर्दों में। प्री मेचर इजैकुलेशन जिसे शीघ्र पतन भी कहते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे नामर्दी भी कहा जाता है, तो अलग अलग ज़बान में अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा कॉमन है और इस पर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं और बात करते हैं। मैं री एड्रेस इन बीमारियों को इसलिए कर रहा हूँ डिस्पाइट हैविंग माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक, मैं फिर इस टॉपिक को री एड्रेस कर रहा हूँ। उसके पीछे दो वजह है। एक कि मैं मल्टीपल वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट की और दूसरे हजरात जो उस पर बोल रहे होते हैं। एक तो ये कि वो आप लोगों तक साइंटिफिक जो सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँचाते। एक लॉबी है कि वो सिर्फ अपनी ही कोई बनाई हुई डेफिनेशंस और अपने ही बनाए हुए कुछ उन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और प्री मेचर इजैकुलेशन अपनी ही जबान में अपने अंदाज में डिफाइन करते हैं, तो आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती और फिर वही जो एक मिथ जनरेट होते हैं और नई नई गलत फहमियाँ मार्केट में रन करती हैं। नंबर दो, दूसरी लॉबी ऐसे डॉक्टर्स की है कि जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने पे लगे हुए हैं और नौजवान लड़के या और लोग और हजरात जो इस बीमारियों से गुजर रहे हैं वो ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने पैसे को और सेहत को बर्बाद करते हैं। वो लोग जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अपने यहाँ बना रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को बेच के, उनका मकसद आपकी सेहत को अच्छा करना नहीं है, आपकी बीमारी को ख़त्म करना मकसद नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेच देना है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि किसी एक आदमी के लिए या 10 लोगों के लिए एक ही दवा कैसे काम कर सकती है? ऑनलाइन आप जाते हैं प्री मेचर इजैकुलेशन के लिए आयुर्वेद के नाम पे, यूनानी के नाम पे, एलोपैथिक के नाम पे, होम्योपैथ के नाम पे ये दवा लीजिए, कैसे? मैं अब तक समझ नहीं पाया। बींग ए डॉक्टर, बींग ए क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, आई डिडंट अंडरस्टैंड द थिंग, कैसे एक डॉक्टर 10 लोगों को, 10 ऐसे पेशेंट जो प्री मेचर इजैकुलेशन से गुजर रहे हों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहे हों, उन 10 के 10 लोगों को एक ही दवा कैसे काम कर सकती है? सबकी बीमारी के कॉजेज अलग होते हैं, वजह अलग होती है, अंदाज अलग होते हैं, उसके एटियोलॉजीज अलग होती हैं, तो कैसे? तो ये मेरे आज जो मैं बोलना जा रहा था और जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आप तक पहुँचे, वो ये बात है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। नंबर दो, आज मैं आपको दो नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और एक प्री मेचर इजैकुलेशन के लिए बताऊंगा कि जब तक आप अपने डॉक्टर से मिल नहीं रहे हैं तब तक आप घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेफ़ है बनिस्बत उन चीज़ों के, उन प्रोडक्ट्स के जो आप ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं और पता नहीं उनमें क्या क्या पड़ा होता है और अपने पैसे और सेहत को दोनों को ख़राब करते हैं। खैर, मैं वापस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ आता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्चुअली क्या है और क्यों होता है। जैसे मैंने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आसान जबान में, जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं अपने वीडियो की लैंग्वेज को बहुत इजी रखता हूँ, आई नेवर यूज़ मेडिकल टर्म्स और मेडिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये आम आदमी नहीं समझ पाता। तो हमारा मकसद है कि आसान तरह से आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आसान जबान में समझे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस सेक्स की बीमारी को कहते हैं कि जब आपका सेक्स का मन तो बाकी हो, आप सेक्स करना चाहते हैं और आपका सेक्सुअल पार्टनर भी आपके साथ तैयार है, उस मोमेंट पर या तो आपको इरेक्शन आता ही नहीं, आपके लिंग में तनाव आता ही नहीं, या आता है तो वो बहुत कमज़ोर होता है कि आप प्रॉपर सेक्स नहीं कर सकते, या आपको तनाव आ जाता है, स्ट्रांग भी होता है, आप सेक्स को इनिशिएट कर भी देते हैं लेकिन वो इरेक्शन और वो तनाव बीच में बैठ जाता है या हल्का पड़ जाता है। ये इस तरह की बीमारी जब होती है तो इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। ये होता क्यों है? इसके होने की वजह बहुत सारी हैं लेकिन मैं फिर उसको आसान जबान में कन्वर्ट करता हूँ कि दो बड़ी वजह से को हम डिवाइड करते हैं। एक वजह कि जब कोई शारीरिक बीमारी, कोई ऑर्गेनिक कॉज, कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, कोई जिस्म के अंदर कोई बीमारी पड़ी हो, और दूसरा कॉज इसका होता है इंपॉर्टेंट, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आपके साथ हों।
शारीरिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे बीपी हाई होना कहते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल नसों की बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या इसी तरह की और बीमारियां जो जिस्म के अंदर हों, आप बहुत मोटे हैं, ठीक है, आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये इस तरह की जो बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं, जिस्म के अंदर होती हैं, उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। नंबर दो, साइकोलॉजिकल कॉजेज, डिप्रेशन, एन्जाइटी, हैवी स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो मानसिक रूप से आपको कमज़ोर करती हैं, वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह बनते हैं। मियाँ बीवी के बीच ताल्लुकात का अच्छा ना होना आपको साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस करता है, साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल करता है, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। इसी तरह आपका लाइफस्टाइल, आप अल्कोहलिक हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, आपकी डाइट बहुत बुरी है, ये भी कॉजेज इसके अंदर शुमार हैं। तो इन बीमारियों को समझने के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना बेहद ज़रूरी है। असल में लोग आज भी हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाते और ऑनलाइन जाते हैं और चाहते हैं कि सारा काम ऑनलाइन हो जाए, डॉक्टर भी ऑनलाइन मिल जाए, कंसल्टेशन भी ऑनलाइन हो जाए, दवाइयाँ भी ऑनलाइन मिल जाएँ। ये मुमकिन है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली जा सकती है, लेकिन याद रखिए क्लिनिक में डॉक्टर से मिलना, उसके साथ प्रॉपरली उसको डिस्कस करना, केस को डायग्नोस करना, कभी भी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मुमकिन नहीं होती। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से मिलें। आज क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट मौजूद हैं और आपकी बीमारी को परमानेंट ठीक कर सकते हैं, आप मिलिए। तो ये तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और इसके जनरल कॉजेज हैं। अब आते हैं हम प्री मेचर इजैकुलेशन की तरफ, शीघ्र पतन। अब शीघ्र पतन क्या होता है, फिर वही आसान जबान बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कि जब देखिए बुक्स तो ये कहती हैं कि एक मिनट से पहले पहले अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपका सीमन, आपका वीर्य सेक्स के बाद एक मिनट के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप प्री मेचर इजैकुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से इन बुक्स की डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करता। मैं प्री मेचर इजैकुलेशन कहा करता हूँ कि जब दोनों में से कोई एक पार्टनर सेक्स से डिससेटिस्फाइड हो इजैकुलेशन को लेके, मतलब आपकी वाइफ आपके इजैकुलेशन टाइम से सेटिस्फाई नहीं है फॉर एग्जांपल, और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती, तो भी आप प्री मेचर इजैकुलेशन की कैटेगरी में मैं ऐसे पेशेंट्स को रखता हूँ। और वो मर्द कि जो खुद अपने इजैकुलेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और वो बहुत परेशान रहते हैं, ख्वाह चाहे वो दो मिनट में डिस्चार्ज होते हों या 30 सेकंड में, ये मैटर नहीं करता। तो मैं बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता आमतौर से जब मैं ट्रीट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है पार्टनर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको प्री मेचर इजैकुलेशन कहते हैं। अब इसके होने की वजह क्या है, देखिए प्री मेचर इजैकुलेशन, पहले तो मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं और ये वाजे कर दूं कि प्री मेचर इजैकुलेशन चूंकि मेरी नज़र में सेक्स की बीमारियों में सबसे स्टबन, सबसे डिफ़िकल्ट बीमारी है ट्रीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के एग्जैक्ट कॉजेज क्या हैं ये मालूम नहीं चल पाया है अब तक। अब तक हम नहीं समझ पाए हैं कि एग्जैक्ट कॉजेज इसके पीछे क्या है, लेकिन जब हमारा तजुर्बा और कुछ मल्टीपल रिसर्चेज इसके अंदर हैं वो बताती हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, साइकोलॉजिकल फियर एंड फोबियाज, या अपने ही जिस्म को लेके इन्फीरियर फील करना, अपने सेक्सुअल थॉट्स को लेके बचपन से इन्फीरियर फील करना, या बचपन का वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा कि जब एक लड़का सेक्स के बारे में जान रहा होता है, उस वक्त अगर उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो, उस वक्त उसने अपनी जो सेक्सुअल इमेज है या लड़कियों को लेके जो इमेज बनाई है वो अच्छी ना हो, वो क्लियर ना हो, वो एक जो रियल होनी चाहिए वो ना हो, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होने लगती हैं, आपके हॉर्मोन्स भी और आपका ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी जब ये इन्वॉल्व होने लगता हो, मिक्स होने लगता हो, तो प्री मेचर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हर पेशेंट में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मल्टीपल केसेस इस तरह के होते हैं कि विजिबल कोई कॉज सामने नहीं होता, लेकिन हम तब भी उनको ट्रीट करते हैं और उनको फ़ायदा होता है और बहुत फ़ायदा होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि कॉज बिल्कुल सामने होता है और हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये भी मुमकिन तभी है कि जब पेशेंट डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करे अपने केस को। एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपके केस को पूरा एक्सप्लोर करता है, आपके बचपन से लेके आपकी आज तक के जब आप डॉक्टर से मिल रहे हैं इस सारे वक्त पे वो नज़र डालता है। मैं हैरत में हूँ, मैं शॉक्ड हूँ, आई एम टोटली शॉक्ड हाउ अ डॉक्टर कैन ट्रीट द पेशेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेचर इजेक्शन जस्ट ऑनलाइन। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपसे वो दो बातें करें और आपको कह दे ये दवाइयाँ ले लीजिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और यही वजह है कि आज आप गली मोहल्ले में निकलिए तो सेक्सोलॉजिस्ट मिलते हैं, और
मैं नाम तो किसी का भी नहीं ले सकता, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े सेंटर किए हैं, पर स्टिल दे आर नॉट क्वालिफाइड, इवन दे आर नॉट ट्रेंड इन सेक्सुअल मेडिसिन, और आयुर्वेद के नाम पे, यूनानी मेडिसिन के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, होम्योपैथ के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेचते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं केसेस देखता हूँ अपने क्लिनिक पर, तो ये इश्यूज़ हैं। तो मैं फिर वही कहता हूँ, जोर दूंगा आप लोगों को कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें, यही इसका हल है कि अगर आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो अपनी सेहत और पैसे को बचाइए। अब मैं अपने आखिरी टॉपिक पर आता हूँ कि होम रेमेडीज़ की जो बात कर रहा था, मैं एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि आम तौर से मैं होम रेमेडीज़ नहीं बताता, जैसे आपने देखा कि मैं ऑनलाइन या इस तरह वीडियोज़ में मेडिसिन बताने के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं होती। देखिए, मैंने बताया, उस पर ध्यान दीजिएगा कि पहली आपने जो कोशिश करनी है, जो पहला टारगेट है, वो फिक्स है कि आपने डॉक्टर से मिलना है। बस पहली, सबसे पहली चीज़ ये है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है। एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट तलाश कीजिए और उससे मिलिए और डिस्कस कीजिए अपने केस को। जब तक आप मिल नहीं रहे हैं, तब तक मैं आपको दो रेमेडीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहली रेमेडी मैं बताता हूँ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, जो हमने पहले बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसके लिए एक रेमेडी बताता हूँ और आसान ज़बान में बता रहा हूँ, बिल्कुल हमारी हिंदुस्तानी ज़बान में, इंडियन लैंग्वेज में। आधा चम्मच कलौंजी, ब्लैक सीड्स, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मेथी दाना, फेनिग्रीक सीड्स जिसे बोलते हैं, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच खालिस प्योर शहद, हनी, इसको आप आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच आपका मेथी दाना और एक चम्मच शहद, इसे एक साथ मुंह में डालिए, इसको अच्छी तरह से दांतों से ग्राइंड कीजिए, चबाइए और निगल जाइए। यही काम आपने सुबह खाली पेट करना है और यही काम आपको शाम को 6-7 बजे के आसपास, के जब आपका पेट दोबारा बिल्कुल खाली होता है, तो सुबह शाम आधा आधा चम्मच ऐसे करके दो वक्त आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है आपका कॉज बिल्कुल अलग हो या आपको बिल्कुल फ़ायदा ना करे, लेकिन आम तौर से चूंकि ये जो जनरल कॉजेज हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, उनमें काम करता है, ये मेरा तजुर्बा है, काम करता है और कुछ रिसर्चेज भी कहती हैं इस बारे में, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ प्री मेचर इजैकुलेशन के लिए। तो प्री मेचर इजैकुलेशन के लिए आप ये कीजिए, 5 बादाम आलमंड्स, वो जो रात को भीगे हुए हों उनका छिलका आपने नहीं उतारना है, 5 बादाम और 2 छुआरे, जैसे हम कहते हैं ना ड्राइड डेट्स, 2 छुआरे, इसको आप छुआरे को उसका बीज निकाल दीजिए, उसके अंदर से उसका सीड निकाल दीजिए और बादाम के साथ उसको ग्राइंड कीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए, 5 बादाम के साथ 2 छुआरे के साथ, ठीक है ना, इसका एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट के अंदर आधा चम्मच प्योर हनी, वह आधा चम्मच प्योर हनी आप डालिए और इस पेस्ट को आपने उंगली से चाटना है, इस पेस्ट को आपने उंगली से चाटना है, सुबह खाली पेट जब आप बिस्तर से उठते हैं तब, और एक बार शाम को 6 बजे, 5 बादाम शाम को 6 बजे दोबारा और 2 छुआरे और 1 चम्मच शहद, अच्छा शहद, अच्छा हनी, प्योर हनी। मैं समझता हूँ कि अच्छा हनी, मैं शायद मैं हनी बास्केट एक वेब पोर्टल, एक वेबसाइट है, वो अच्छे हनी सेल करते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं या कोई भी जो आपको लगे कि वो बेस्ट है, शर्त यही है कि प्योर हो। तो जो ये मैंने आपको होम रेमेडीज़ बनाई, इसको आप कीजिए, 40 दिन कम से कम लगातार कीजिए, और फिर मैं वही कहूँगा लास्ट में चलते हुए कि अपने डॉक्टर से मिलिए, फौरन मिलिए। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप प्लान नहीं करें तब तक इसे आजमाइए, इसे कीजिए, इसका नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऑनलाइन खरीदी जाने वाली मेडिसिन से ये फार मोर बेटर हैं, फार मोर बेटर हैं। तो आप इसे कीजिए और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ और ये आपके लिए दुआ भी करता हूँ। और ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो आप अपनी हेल्थ को, अपने पैसे को और अपनी पर्सनल, अपने इंटरपर्सनल लाइफ को ख़राब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।